arcs linked with a circuit is given by phi b is equal to t square plus 2. The graph between time and induced EMF will be. भाई देखिए, induced EMF जो होता है वो minus d phi by dt होता है, ठीक है? तो आप d phi by dt निकालिए यहाँ पे, बस टाइम से डिफरेंशिएट करना, कोई नया काम नहीं है। ये जीरो हो गया, प्लस टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, d phi by dt is equal to minus ये 2t, तो induced EMF हो जाएगा minus 2t times. तो अगर इसका हमें ग्राफ बनाना है तो ये मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, अगर y is minus 2 है तो कुछ इस टाइप होगा, टाइम ये है और एप्साइलन ये है, यानी कि EMF ये है, टाइम जीरो पे 0,0, टाइम वन अगर होगा तो ये माइनस टू होगा, तो ये नीचे चला जाएगा, बस ग्राफ अपना हो गया कैसा, ऐसा, है ना? तो स्ट्रेट लाइन तो होगा ये, वैसे भी आप देख सकते हैं, इस अगर कांस्टेंट को इग्नोर करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी या माइनस टी लिख सकते थे यहां पर। तो स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ये सबसे बढ़िया आंसर होगा। तो क्या आंसर है? ऑप्शन ए, स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन।